welcome back to the next video of Mind Your Own Business. आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कि भाई तीन दिन में की छुट्टी मिली है बिजनेस में, पांच को पेपर हुआ इंग्लिश का, छह सात आठ तीन दिन की छुट्टी, अब नौ का जो पेपर है उसके लिए इन तीन दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है। गाइस आज लेके आया हूं एक स्ट्रेटजी जिसको हम यूज करके तीन दिन के अंदर बिजनेस का पूरा कोर्स भी करेंगे, रिविजन भी करेंगे, केस स्टडी भी करेंगे और फिर भी हमारे पास टाइम बच जाएगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बिजनेस पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आया था। दो मिनट का टाइम लूंगा गाइस, ध्यान से सुनना। इंग्लिश का जो पेपर था आज आपका काफी लेंथी था, तो जिन लोगों ने पेपर टाइम पे किया है उन लोगों की राइटिंग स्पीड काफी अच्छी है, थम्स अप गाइस। और क्या करना था, हमने बताया था कि भाई अगर आप सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 10 से 12 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो कि बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाएंगे, जस्ट बिकॉज सेक्शन ए में आप टाइम लैप कम नहीं कर सकते। जितना टाइम लगना है उतना लगना ही लगना है। अगर आप लिटरेचर करते हो तो उसमें अगर आधा घंटा लगना है आप उसको 20 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपको आता है, पर रीडिंग में अगर आपको आधा घंटा लगना है तो आधा घंटा ही लगेगा। 15 मिनट के टाइम पीरियड में आप कुछ लिख नहीं सकते थे, सिर्फ पढ़ सकते थे। तो अगर आप वो पढ़ो जिसको आपको आगे भी पढ़ना है यानी रीडिंग सेक्शन, तो आपके वो 15 मिनट बच जाते। जिन्होंने बी या सी करके कोर्स को या अपने पेपर को खत्म करा है उन लोगों की राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है। सो गाइज आज का पेपर लेंथी था बट इजी था। नाउ अब आते हैं हमारे बिजनेस के एग्जाम पे। गाइस किस तरीके से करना है तीन दिन में हमारा बिजनेस का कंप्लीट कोर्स, एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास टाइम है पांच छह सात आठ। पांच के लिए हमारे पास दो से तीन घंटे या चार घंटे का टाइम ही है, छह सात आठ हमारे पास इजिली अवेलेबल है। आठ का भी आधा दिन में यहां काम में लूंगा, बाकी आधा दिन आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको किस तरीके से करना है। सो गाइस किस तरीके से करना है ध्यान से सुनना। तो पांच तारीख के जो दो से तीन घंटे हैं आप वहां डिवोट करो जिन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कोर्स खत्म करने के बाद भी जो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमको नहीं आते, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 9 और 10, ये तो ऐसे चैप्टर्स हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं आते, तो आज के दिन आप वो चैप्टर्स उठा सकते हो, उन चैप्टर्स को एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट 6 तारीख या 7 तारीख का आधा दिन, ये डेढ़ दिन आपको डिवोट करना है अपना कोर्स कंप्लीट करने में। गाइस रिवाइज योर कोर्स कंप्लीटली, देखो एक तरीके से पूरे कोर्स को कंप्लीटली आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उस पूरे कोर्स के अंदर मेक श्योर कि आप कुछ गलतियां ना करें। फॉर एग्जांपल आप हेडिंग पढ़ते हैं, हेडिंग के अंदर का पूरा मैटर आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हेडिंग समझिए। अगर हेडिंग समझ में आ जाती है तो अंडर का मैटर नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जब पेपर करोगे तो आप लोगों को वहां अंदर का मैटर खुद का ही लगाना पड़ता है, याद नहीं आता। मेक श्योर कि आप हेडिंग पे ज्यादा फोकस करें, हेडिंग पे फोकस करोगे समझ में आएगा। किसी चीज के इंपॉर्टेंस, फीचर्स या क्या है वो सब खुद क्रिएट करो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बुक से देखकर या वीडियो से देखकर लिखो, आप खुद के ओन क्रिएट कर सकते हैं। डोंट टेक टेंशन रिगार्डिंग दैट। अब 7 तारीख के आधे दिन के बाद से आपके पास बचता है पूरा डेढ़ दिन। इस डेढ़ दिन के अंदर आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं आपकी केस स्टडीज, उठाएंगे कुछ सैंपल पेपर्स जिनको हम सॉल्व करेंगे, पर तीन घंटे का टाइम लगा के सॉल्व नहीं करेंगे। अब की बार हम सैंपल पेपर्स उठाएंगे आंसर्स मैच करने के लिए। केस स्टडी पढ़ी, उसका आंसर अपने आप सोचा, उसके बाद आंसर मैच करा बुक से। अगर मैच करता है तो आगे बढ़ो, नहीं करता है तो देखो कि इस आंसर में और आपके आंसर में क्या डिफरेंस रह गया। उसके बाद गाइस आपके पास फिर भी एक टाइम लैप बचेगा 4 से 6 घंटे का, जहां आप आराम से अपनी किसी प्रॉब्लम को या उस चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज आती है कि भाई बिजनेस में कुछ लोग सोचते हैं कि फ्लो चार्ट बनाने से, डायग्राम बनाने से प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। बिल्कुल अच्छी होती है, बट फ्लो चार्ट या डायग्राम तब बनाए जाते हैं जब आंसर पूरा हो चुका होता है। एक चीज याद रखना, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, बिजनेस में आंसर करने में टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है। बिजनेस में आंसर लिखने में टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है। वापस सुनो, बिजनेस में आंसर लिखने में टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन पढ़ने में लगता है। तो टाइम यहां डिवोट करो, यहां नहीं। यहां डिवोट करोगे पेपर खत्म होगा, यहां डिवोट करोगे पेपर छूट जाएगा। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उससे आंसर निकालना है।
डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अच्छी बनाओ, पर कब, जब टाइम हो, टाइम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चार पॉइंट लिखते हो उसके बाद फ्लो चार्ट बनाते हो तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, मिल जाएंगे। सिर्फ चार पॉइंट लिखोगे तो भी मिल जाएंगे, बट सिर्फ फ्लो चार्ट बना के आ जाते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट हो जाएगा। बहुत रेयर केस है कि आपको मार्क्स मिल जाए। मेक श्योर यहां टाइम नहीं, यहां टाइम लगाना है, रीड करोगे आंसर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट चीज आती है हमारे बिजनेस के न्यूमेरिकल से रिलेटेड। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि न्यूमेरिकल आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा और नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा। गाइस सीबीएसई के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए, बट फिर भी ऑन अ सेफर साइड हम न्यूमेरिकल को करके जाएंगे, यानी हम न्यूमेरिकल की एक वीडियो कल बना देंगे जिससे आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओ। कुछ नए टॉपिक्स हैं जिनके आने की चांसेस ज्यादा है, सच एज पब्लिक रिलेशन के आने के चांसेस ज्यादा है। पूरी 6 नंबर की केस स्टडी आने की पूरी पूरी संभावना है। डिमिचुअलाइजेशन, डिमटेरियलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस आने के चांसेस ज्यादा है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन इनके बीच में आने के चांसेस ज्यादा है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं, बट मेक श्योर गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, बिजनेस है। इस बार बिजनेस में 5 यूनिट बनाई गई है, हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं गाइज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, अपने कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दो। स्ट्रेटेजी हमने बता दी है, 5 तारीख प्रॉब्लम सॉल्व करो, 6 तारीख और 7 तारीख का आधा दिन कोर्स कंप्लीट करो, 7 तारीख का बचा हुआ दिन और 8 तारीख का आधा दिन केस स्टडी और सैंपल पेपर पे लगाओ। बाकी जो 6 घंटे 8 घंटे आपके पास बचते हैं मस्त आराम से चैन से सो जाओ। सो गाइस ये थे हमारे कुछ टिप्स या कुछ स्ट्रैटेजी जिसको आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है इस कंप्लीट का हम एक पोस्ट डाल देंगे इसी चैनल के ऊपर जिसको आप आराम से देख सकते हैं। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे गाइस। 36 वीडियोस के अंदर हमने पूरे 12 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। तो कोर्स खत्म करना है या किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, कम ऑन द चैनल आपको यहां सब चीजें मिलेंगी। इन 36 वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसके अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट है, 12 चैप्टर्स इसमें है। ऑन एन एवरेज ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो पर चैप्टर ऑन एन एवरेज बनती है, इससे ज्यादा नहीं है। वीडियोस की लेंथ भी छोटी छोटी है, 10 से 15 मिनट की वीडियोस की लेंथ है, इससे बड़ी लेंथ नहीं है। सो गाइस कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियोस देखिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। 36 वीडियो है, देखने में टाइम भी नहीं लगेगा और कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस एट लास्ट जस्ट 1 थिंग टू से, हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा रखते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। 3 दिन का टाइम है गाइस, मेहनत करो और सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा विश्वास करो, सफलता जरूर मिलेगी। 3 दिन का टाइम है गाइस, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर वेल एंड डू वेल इन योर बिजनेस एग्जाम।